स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज के 10वें वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जो सुरपाला द्वारा लिखे गए वृक्षायुर्वेद का जो हमने शुरुआत की थी 9वें लेक्चर में, उसको कंटिन्यू हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बात की वो थी 10 गव्य। तो इसमें जो भी अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको शुरुआत करते हैं। तो पहले आया हलकुशा, ल्यूकस एस्पेरा, इसका प्रयोग में लाया गया है। ये शायद मुझे लग रहा है झारखंड में मैंने देखा नहीं है, लेकिन साउथ में या और भी बहुत जगह अगर बात करें, मतलब जो भी पौधों से जिनका प्रेम है, पादप से जिनका प्रेम है, वो पहचान सकते हैं, उन्होंने शायद देखा हो। तो ये है पहला जो 10 गव्य में इस्तेमाल किया गया। तो 10 गव्य में आजादी है, जरूरी नहीं कि वही 9 पौधे हों, किसी भी 5 पौधे का आप प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद है जो फेमस है लंटेना कमेरा पुटुस, ये तो बोलना ही नहीं है, झारखंड में ये हर जगह आपको दिख जाएगा। और ये जहां एक बार उग गया है तो ये पूरा झाड़ी बन जाता है, और ये इसको साफ करना भी बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम लोग इसको फेंसिंग में कभी नहीं बोलते कि पुटुस को आप लगाइए, कहीं जंगल सूखे क्षेत्र में लगा हुआ है तो बेहतर है। सफेद धतूरा, धतूरा भी लोग पहचान रहे हैं, और इसको झारखंड के बहुत सारे किसान जो है पेस्टिसाइड बनाने में भी वेस्ट डिकम्पोजर के साथ धतूरे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जान ही रहे हैं कि जो भी विषैला होगा, जिसपे कीट बैठना पसंद नहीं करेंगे। आंख, अकवन, बहुत सारे आंख बोलते हैं, और संस्कृत में आदित्य पुष्पिका बोल रहे हैं, आप इस पुष्प को भी समझ रहे होंगे। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि धतूरा किसको बोलते हैं, तो ये धतूरा नहीं है, ये आंख हुआ। ये भी आपको सड़क किनारे कहीं पे दिख जाएगा ये, और इसका भी प्रयोग 10 गव्य में किया गया है। फिर है जेट्रोफा, जो जनरली लोग जेट्रोफा के नाम से ही जान रहे हैं, बहुत जगह जंगली अरंडी इसे बोलते हैं, रतन जोत भी बोला जाता है, संस्कृत में इसका नाम दरवंती बोला जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग बहुत फेमस है, जैसे बायोफ्यूल में, या जो हम बोल रहे हैं कि जो जीवाश्म ईंधन के रूप में इसका बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। ये प्रोजेक्ट अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इसमें पोटेंशियल है। तो यह है जेट्रोफा कर्कस, ये भी 10 गव्य में प्रयोग में लाया गया। फिर है जो मालाबार नट से बहुत ज्यादा फेमस है, अरूस बोलते हैं, अडूसा बोलते हैं, शिंगपर्णी संस्कृत में, जैसे वाजिनी विसोटा, तो इसका भी प्रयोग जो है, तो ये नॉर्थ इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है साउथ में बहुत ज्यादा किया गया है और किया जा सकता है 10 गव्य बनाने में। और इसके अलावा जो 10 गव में थे वो आप उससे परिचित हैं, जैसे कि धतूरा हो गया, आपने नीम देख लिया, करंज देख लिया, और निर्गुंडी को देख लिया आपने, ठीक है। तो ये था 10 गव्य। अब जो वृक्षायुर्वेद है, ये तो शायद अगर बोला जाए तो किसी भी अगर हम बात करें कि प्लांट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में कहीं भी ऐसा आपको डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को अलग अलग किया गया। तो डिजीज ऑफ प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया, इंटरनल वात पीत और कफ, जैसा कि आपने सुना है आयुर्वेद में, और एक्सटर्नल में इंसेक्ट, बर्ड और खराब मौसम। तो ये दो जो है, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, इंटरनल के लिए अलग होगा और एक्सटर्नल के लिए अलग होगा। तो बस यहां पे उसके रेफरेंस को प्रयोग करेंगे या सिम्टम पे बात करेंगे कि इस सिम्टम को लेके कैसे सॉल्व किया गया। तो अगर वात पीत कफ को एक क्रूड सेंस में समझे तो जैसे प्री मैच्योर फ्रूट राइपनिंग हो गया, फल पहले पक गया, छोटा रह गया, या फल बहुत डिले हो गया, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो कफ हो गया। पीत में क्या है, सड़ गया फल, फूल सड़ गया या पत्ते पीले हो रहे हैं, तो पीत हो गया। वात में क्या है कि फ्लावर है, फ्रूट ड्रॉप, फल फूल झड़ जा रहे हैं या पत्ते पीले हो जा रहे हैं, उसको वात बोल रहे हैं। तो ये है वात पीत कफ का एक जनरल सिम्टम है। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसा कि अगर हम नेमाटोड जो जड़ की बीमारी है, फंगस, लीफ गॉलिंग इंसेक्ट जो पत्ते को खाते हैं, ये मैकेनिकल बैरियर अगर बात करें, मतलब जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ रूप में नहीं है, कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा है, जड़ का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वायरसेस हैं, तो वो वात का रिजल्ट करेगा। वायरल डिजीज है, पानी में बहुत ही क्षारियापन है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो पीत होगा। फंगल है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, पोषक तत्वों की भरपाई आपने नहीं की, बहुत ज्यादा सिंचाई कर दी जल से, तो वो कफ का कारण बनेगा। तो एक जेनरिक सेंस में हम बात करें तो वात पीत कफ एक ये कैटेगरी है, ठीक है।
तो जो वातपित्त कफ है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मिक्सचर्स का प्रयोग किया गया है। तो जो बहुत पुराने से पुराने ग्रंथों में अगर हम बात करें, जो एक वृक्ष का नाम बार बार आता है, आंवला इम्बेलिका ऑफिसिनालिस, इसमें अगर हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट एडिबल फ्रूट ऑफ इंडिया है। विटामिन सी, एमिनो एसिड, मिनरल्स और भी बहुत सारे फिनॉल्स, टैनिन्स, रूटीन, बहुत सारी चीजें हैं जो आंवला में पाए जाते हैं। अगला है विभीतकी, आयुर्वेदिक नाम है टर्मिनालिया बेलिरिका। ठीक है, ये जब सूखता है तो ये भूरा काले रंग का होता है, तो आप शायद इसे सूखे के रूप में देखे होंगे। ये आयुर्वेदिक उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सीरीज में मैं उन सारे पौधे, फलों का, पत्तियों का नाम ले रहा हूं जो शायद मनुष्य के उपचार के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जी हाँ, ये वृक्षायुर्वेद में भी इनका इस्तेमाल रेगुलर रूप में हुआ है। और वात पित्त कफ का जो है पैरेलल ड्रॉ किया गया है, जो इंसान का वात पित्त कफ है या जो वृक्ष का है, दोनों लगभग सिमिलर है, क्योंकि प्रकृति जुड़ी हुई है। और हम साइंटिफिकली बात करें तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, तो इनके उपचार में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। विभीतकी जो है वो गैलिक एसिड है, इलागिक एसिड है, बहुत मतलब फाइटोकेमिकल है अगर हम बात करें तो ब्लड शुगर लेवल बॉडी का कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करता है और बॉडी वेट को भी। और ये जो है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन पौधों का उसको कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। और तीसरा है हरीतकी, टर्मिनालिया चैबुला। तो ये भी जो है थोड़ा सा मिलता जुलता विभीतकी से, लेकिन आप देखें कि एक और हम उसमें जो हरीतकी की बात हुई, ये किंग ऑफ मेडिसिन हम बोलते हैं इसको। और ये हार्ट डिजीज, अस्थमा, अल्सर, स्टोमिक का प्रॉब्लम, पेट से उधर से जो प्रॉब्लम होते हैं उसके मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो किंग ऑफ मेडिसिन बोलते हैं हरीतकी को। तो ये तीनों को अगर मिला देते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, त्रिफला। अब ये नाम पतंजलि की वजह से, या आयुर्वेद में आपने बार बार इसका नाम सुना है त्रिफला, तो त्रिफला ही है आंवला, विभीतकी और हरीतकी का कॉम्बिनेशन। उसका रेशियो है 1:2:3 रेशियो में, 1 kg आंवला, 2 kg विभीतकी और हरीतकी 3 3 kg। और ये क्या होगा, उनके फलों का जो है सुखा के चूर्ण होगा। ठीक है, तो ये होता है त्रिफला। और इसका प्रयोग जो है खेतों में किया गया, वृक्षों के ऊपर किया गया। जैसे बोला गया कि जो इमली का पौधा है वो अगर हम उसका जो अगर ग्रो करने में पानी और त्रिफला को प्रयोग में लाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है त्रिफला का। फिर त्रिफला को अगर घी और हनी के साथ मिलाते हैं तो पीट डिजीज जो इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शंस है, वो सारा जो है आपका कंट्रोल करता है। और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें वृक्षायुर्वेद में जिसमें ऐसे ऐसे शब्दों का, श्लोकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें शालमली ट्री, मतलब जो अगर हम बात करें जो कॉटन, सिल्क कॉटन जो है, जो वृक्ष होता है जिसमें से रुई जैसा पदार्थ निकलता है, ये भी हमारे गांव के तरफ पाया जाता है, तकिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। फिर टर्मेरिक है, हल्दी का प्रयोग किया गया, त्रिफला, लिकर और कुष्ठ। तो कुष्ठ जो है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस नाम के बहुत सारे वृक्ष पौधे पाए गए हैं जो जम्मू कश्मीर ओरिजिन रखते हैं, और बहुत कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली कौन सा कुष्ठ है जो यहाँ पर खेतों में प्रयोग किया जा रहा है या वृक्षों के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि त्रिफला, घी, हनी, टर्मेरिक, शालमली और इंडिगो, नील के जो पौधे हैं, जो इंडिगो विद्रोह हुआ था अंग्रेज के टाइम में, वो भी आपको पता है जो रंग बनाने में इस्तेमाल होता है, तो इंडिगो का भी प्रयोग किया गया है। तो ये रहा शालमली ट्री, जो सेमल आम भाषा में बोल रहे हैं, जो रुई जैसा पदार्थ निकल रहा है, नील हो गया ये इंडिगो। फिर महुआ, मधुका, लौंगी फोलिया बात कर रहे हैं, तो महुआ का भी प्रयोग किया गया है वृक्ष में इनके फलों का। और जो कफ डिजीज है उसके लिए व्हाइट मस्टर्ड जो है, सफेद सरसों का जो है प्रयोग किया गया है तिल के साथ कफ डिजीज को खत्म करने के लिए। और पीत डिजीज को फिर से अगर हम देखें तो वहां पर उसको खत्म करने के लिए दूध, हनी, यष्टि मधु, जो संस्कृत में यष्टि मधु बोल रहे हैं, आज के आम भाषा में उसे मुलेठी बोल रहे हैं, और मधुका जो महुआ का है जो प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर इसमें मुलेठी अगर बोले तो ये कॉस्टली है, ये आपके आसपास नहीं पाया जा रहा है, ये आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, इसलिए इन सब का जो है कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो चुका है। लेकिन
उस इंग्रेडिएंट को आप देखें, मेरा पर्पस वही है कि उस इंग्रेडिएंट को देखें जिसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हनी है, तो इसके बदले ही जो है गुड़ का, केले का, नारियल पानी का प्रयोग किया जा रहा है ताकि वो प्रॉपर्टी आ जाए। लेकिन हनी का कंप्लीट अल्टरनेटिव वो नहीं है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन के लिए इस तरह के सॉल्यूशन का प्रयोग किया गया है। महुआ बहुतायत में है झारखंड में। कफ जो है वो डिफिशियंसी से होता है। आप अपने खेत में जो है अगर ठीक से खाद नहीं डाले हैं, ठीक है, जैविक खाद, मैन्योर्स नहीं डाल रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर नहीं जा रहा है तो वो कमजोर दिखेगा, तो वो अलग चीज हो गया। तो वो हो गया कफ। और पीत हो गया जो इन्फेक्शंस है, जो कीड़े, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से आ रहा है, वो पीत हो गया। और बहुत सारे वृक्ष, अगर अगर हम बात करें उसमें, अगर कीड़े का मतलब बहुत प्रकोप ज्यादा है तो उसका भी प्रयोग जो है तिल, विडांग, मिल्क, काउ यूरिन, घी और मस्टर्ड के साथ प्रयोग किया जा रहा है। विदंग का आपने, वाय विदंग जो मैंने बताया था चूर्ण, वो भी आयुर्वेद में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो तिल, काउ यूरिन, घी, ये सब का आप देख रहे हैं कि बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे प्रयोग हो रहा है। और फिर जो बहुत ही, अगर हम बात करें कि सेक्रेड, बहुत ही पवित्र वृक्षों का अगर हम समूह का बात करें, 27 वृक्षों का समूह जो हमारे ग्रंथों, महाभारत, रामायण में जो बातें होती हैं, उसमें एक वृक्ष का नाम आता है प्लक्ष, ठीक है। तो इसके भी छाल का जो है वो प्रयोग किया गया है कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अगर बात करें, बरगद वृक्ष जैसा विशालकाय होता है, तो प्लक्ष ये जो है अगर हम बात करें तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है उससे जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार जो 27 नक्षत्र हैं, तो 27 वृक्षों का अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो जो ग्रंथ है कृषि से ही जुड़ा हुआ है, जिसके बहुत सारे मुझे कंटेंट्स नहीं मिल पाए, राज निघंटू, उसमें भी वृक्षों के ऊपर बहुत सारे वृक्षायुर्वेद के बारे में बात की गई है। तो प्लक्ष का एक्सप्लेनेशन वहां बार बार आता है। फिर है जो, अगर हम बात करें कि हमारा जो है गांव जो है वो बंगाल क्षेत्र, पुरुलिया से सटा हुआ है, तो वहां डुमर बंगाली में अगर हम बोल रहे हैं तो संस्कृत में इसे उडुम्बर बोलते हैं। और उडुम्बर अगर नेट पे आप टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बौद्ध काल में बहुत ही पवित्र वृक्ष के रूप में माना जा रहा है। और इसका साइंटिफिक नेम फिकस रेसामोसा या फिकस ग्लोमेराटा है। और इसके भी फलों का, इसके भी छाल का जो है खेतों में प्रयोग किया जा रहा है। और ये झारखंड में आपको बहुत जगह ये दिखाई देगा। और इसका जो टिपिकल निशानी है कि तने के ऊपर भी ये जो गोल गोल फल जैसे हैं उगते हुए दिखाई देंगे, तो ये आप पहचान लेंगे इसे। ब्रोकन ट्रीज है, मतलब जो तूफान में अगर थोड़ा सा टहनी उसकी टूट गई लेकिन लटकी हुई है थोड़ी सी, या थोड़ा सा उसमें क्रैक आ गई, या आपको लग रहा है कि वृक्ष मरने वाला है, उस वृक्ष को भी जो प्लाक्स वृक्ष के जो छाल हैं या उडुम्बर के जो छाल हैं, उसको घी, हनी, वाइन, मिल्क के साथ मिलाकर, और उसको राइस स्टॉक जो भूसी, या आप बोलेंगे जो पुआल से जो है रस्सी जो बनाया जाता है, तो उससे प्रयोग मिलाकर उस वृक्ष के जीवन को भी बचाया गया है। तो ये भी वृक्षायुर्वेद में वर्णन है कि एक टूटे हुए वृक्ष को या डैमेज्ड वृक्ष को भी कैसे आप रिकवर करते हैं। तो 9वें और 10वें वीडियो में हमने बात की वृक्षायुर्वेद के बारे में, जो सूर्यपाला द्वारा लिखी गई थी, और जो इस पूरे सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यील्ड का बहुत ज्यादा बात करते हैं और पेस्ट कंट्रोल का बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं आजकल खेती में, कि कीड़े का प्रकोप कम हो और मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो वृक्षायुर्वेद जो सूर्यपाला द्वारा लिखी गई है ये बहुत अपना रेलिवेंस रखता है। तो अगर आप त्रिफला नहीं मिल पा रहा है, मुलेठी नहीं है आपके पास, यष्टि मधु नहीं है आपके पास, आपके पास प्लाक्ष का वृक्ष नहीं है लेकिन आपके पास महुआ का है, आपके आसपास सेमल है, आपके आसपास डूमर है, आपके आसपास अगर पंचगव्य बनाने की व्यवस्था है, तो आप उसे निर्गुंडी, आप उसे पुटुस से मिलाकर 10 गव्य बनाने में बहुत हद तक आप उसे अपने खेतों में जो है एक ही स्प्रे से ग्रोथ भी और बायोपेस्टिसाइड भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।